नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, केवी न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। जी हां, विश्व शांति और लोक कल्याण के उद्देश्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा श्री राम कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ यज्ञ कथा वाचक महाराज डॉक्टर विजय कृष्ण चतुर्वेदी वृंदावन की अमृत वाणी श्री नारायणी धाम लोनावाला में विजय अग्रवाल के द्वारा आयोजित की गई। राम कथा के साथ साथ श्री कृष्ण रास लीला का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन महाप्रसाद ग्रहण कराया गया। श्री राम कथा में सभी आगंतुक अतिथियों का रहने खाने का उचित प्रबंध किया गया। लोनावाला में आयोजित राम कथा व कृष्ण लीला का आयोजन समाज सेवी विजय अग्रवाल के द्वारा किया गया, जिसमें काफी दूर दराज से लोगों ने पहुंचकर कथा का श्रवण किया। जाके देख क्या ब्रज गोपी सो रही है क्या जग रही है? अरे रोए देख तू, कोई लंगड़ी है, कोई लूली है, कोई लूली है, कोई मोटी है, कोई गोपी है, कहाँ के क्या सो रही है क्या जग रही है? विदाई है जो जिससे बने वो ठाकुर जी के चरणों में भी नौछावर कर सकता है। आज की जो लीला है नौका विहार लीला। आप सभी भगवान की आरती करेंगे और भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा समर्पण करेंगे। सभी लोग आरती करेंगे भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिर कर तेरी आरती। सीताराम तेरी आरती उतारों आरती उतारों।
कैटर्स ने जिस तरह से 8 दिन सेवा की और अभी भी कर रहे हैं अंतिम विदाई के क्षण तक, कैसा लग रहा है? राधे राधे। मैं पप्पू महाराज, आपसे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, खाना, सर्विस, सब कुछ लोगों को पसंद आया, हम लोग को भी बहुत आनंद आया। 7 दिन में ऐसा लगा नहीं कि हम लोग थके हैं, जरा सा निराश है। आज भी ऊर्जा एकदम बरकरार है। सभी लड़कों का खिलाने वाले, सर्विस वाले सब बहुत अच्छे लड़के हमारे हैं और सब मिल के अच्छा सर्विस किए, अच्छा काम किए। किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हुई या कोई शिकायत? बिल्कुल, सुबह से शाम तक सब बच्चे आनंद ही आनंद में है ऐसा। और हम लोग हमेशा ये तमन्ना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ऐसे काम का फिर से नया अवसर मिले, सेवा का मौका मिलते रहे। विजय अग्रवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत विजय अग्रवाल जी ने जो शुरू से लास्ट तक हमें सपोर्ट किया है, जितना हमें पीछे से उन्होंने हर चीज के बारे में बताया, समझाया, हम लोग बिल्कुल वैसे ही करके उतर रहे सर। ऐसी कौन सी विशेष डिश थी जिसको बनाने में कोई चुनौती आई? बहुत ऐसी सर, मारवाड़ी खाने को खुश करने के लिए जो हमारा कल का मारवाड़ी खाना था वो बनाना बहुत दिक्कत है, मगर खा के सब खुश हुए, हम लोग को भी अच्छा लगा। आगरे का कल खाना था, आलू पेठा, बेडमी, ये सब आज भी है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो सबसे बनता नहीं है। सातों दिन अलग अलग मेनू था, अलग अलग नाश्ता था, अलग अलग रात का खाना था, जिस समय जैसा था वैसा करके खिलाया गया। फास्ट फूड भी थे पूरे अच्छे से, चाइनीज से लेके नॉर्थ इंडियन, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, हर तरह का खाना खिलाया गया सबको और सब खा के बहुत ही खुश थे, आनंद थे। 8वां दिन है, विदाई है, नाश्ता हो गया है, क्या कहेंगे? आज नाश्ते की घड़ी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी वो बात है, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि आज हम लोग जाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी फिर लंच खिलाना है। आपने 7 दिन किस तरह से काम किया, अलग अलग मेनू, अलग अलग ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर जी, और सब टाइम पे अलग अलग मेनू था। और ब्रेकफास्ट हम लोग चाय काउंटर हमारा सुबह सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उधर बैठती जैसा लग जाता था, और सब रूम सर्विस भी हम लोग दे देते थे मॉर्निंग। किस तरह से लोगों ने आपको कोऑपरेट किया हुआ? आपने लोगों ने तो हम लोग ने तो हमारा तो काम ही है सेवा करना, बाकी लोग बहुत खुश हुए हमारी सर्विस से। ऑर्गेनाइजर विजय अग्रवाल जी के लिए क्या कहेंगे, जो जिन्होंने आपको यहाँ नियुक्त किया और आपने अच्छी सर्विस दी? अग्रवाल जी के लिए क्या बोल सर, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी और बहुत अच्छे से हमारे साथ वो पेश आए, कॉर्पोरेट किया हमारे को अग्रवाल जी ने। आज जब विदाई का क्षण है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो मतलब थोड़ा सा अनुभूति होती है कि हाँ थोड़ा सा बुरा लगता है, कि बुरा तो लग ही रहा है सर, परिवार की तरह आप 7 दिन, इतने दिन हम लोग ने 7 दिन सेवा की है, आज खत्म हो रहा है तो सब विदाई हो रही है, सबकी सब जा रहे हैं, तो अच्छा जरा भी नहीं लग रहा हम लोग को, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा प्रोग्राम सालों साल पूजा का काम चलता रहे। बहरहाल बिना पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई कला नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते विनती, गुजारिश, अनुरोध, यदि आपके आस पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे अपील, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत। नमस्कार।